हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आप लोगों को क्लास 10th सोशल का जो सैंपल पेपर है 2020 का पहला वाला, उसका ये तीसरा पार्ट है, यानी कि सारे लॉन्ग आंसर्स है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं इसको चलिए बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता रही हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट करके याद कर लेना बच्चे। इंडिया इज अ रिच कंट्री बट हर हैबिटेंट्स आर पुअर, एक्सप्लेन। है ना, इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री है और इसके जो हैबिटेंट्स है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, ये पुअर है। इस चीज को डिस्क्राइब कीजिए। तो देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप इसको पहले तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या आप पॉज दबा दबा के लिख सकते हैं। इसको मैं जब हिंदी में अभी समझाऊंगी तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से लिखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, जब हिंदी में मैं पढ़ूंगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख के एक बार हिंदी वाला मेरा ट्रांसलेशन जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम हिंदी वाला ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं फटाक से। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है। विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत एक बहुत ही समृद्धशाली देश है लेकिन यहाँ के जो रहने वाले वो गरीब है, ऐसा क्यों? भारत में अपार प्राकृतिक संसाधन है लेकिन इसका उचित विदोहन एवं वितरण नहीं हो पाता, जिससे यहाँ के निवासी एक समृद्धशाली देश के होने के बाद भी निर्धन है। यानी कि हमारे जो इंडिया में इतना ज्यादा संसाधन है, इतना ज्यादा रिसोर्सेज है, फिर भी यहाँ के लोग उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, एक दूसरे को सही तरीके से बांटा नहीं जाता। इसलिए जो गरीब है वो गरीब ही है और जो अमीर है वो अमीर ही है। भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है। देखिए कारण कितने सारे हैं ये पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, एकदम ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष 2.6 के प्रतिशत के दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उतनी तीव्र गति से उत्पादन एवं संसाधन थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग में, देख लीजिएगा, संसाधन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे देश की आर्थिक संतुलन बिगड़ रही है। ठीक है, ये टाइप करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप देख लीजिएगा बच्चे। आप तो प्यारे बच्चे हो ना मेरे। तो चलिए बेरोजगारी, तो दूसरा कारण है बेरोजगारी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही हमारे यहाँ पे बढ़ रही है गरीबी। फिर गरीबी तो खुद है ही, है ना, गरीबी तो खुद है ही। उत्पादन संसाधन के अभाव में बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है। उसके बाद फिर प्राकृतिक संसाधन का अपूर्ण विदोहन, ठीक है, अपूर्ण जो विदोहन होता है उसके कारण, यानी कि जो प्राकृतिक संस्कृति है उसको हम पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसका यूज नहीं कर पाते। फिर है निम्न स्वास्थ्य स्तर, है ना, यहाँ के लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इसके कारण भी गरीबी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी, हाउ? बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए, ऐसा क्यों भाई? अब देखिए ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। देखो जनसंख्या विस्फोटक के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, जैसे कि देखिए खाद समस्या, खाद्यान्न समस्या, यानी कि खाद का जो अन्न है उसकी समस्या। ठीक है भाई, सबको खाद नहीं प्राप्त होता, है ना, जो विदेश से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। आवास व स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आवास रहने की और स्वास्थ्य की समस्या के कारण भी भाई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो रहेंगे कैसे, सबको स्वास्थ्य जो चिकित्सा है वो हम कैसे दे पाएंगे। इस वजह से बेरोजगारी की समस्या तो आती ही आती है भाई, सबको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। निम्न जीवन स्तर, है ना, जो जीवन स्तर है वो निम्न हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि सदस्य की संख्या बढ़ जाती है तो सबको हम उतने अच्छे से खान पान रहना नहीं दे पाते हैं इस कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का, फैसिलिटी ऑफ लोन्स ऑन वन हैंड इंक्रीजेस इन आवर इनकम एंड ऑन द अदर हैंड वी कॉच
इन द नेट ऑफ लोन्स हाउ एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. बोल रहे हैं देखिए, इसको भी हम हिंदी में ही समझते हैं. देखिए इंग्लिश में आप बच्चे बेचारे लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. अब हिंदी में मैं इसको समझा देती हूँ. ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय में आय को बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है. कैसे, है ना, हमको समझाना. देखिए ऋण और औपचारिक क्षेत्र, ऋण जो है वो औपचारिक क्षेत्र से लिया होता है, वो हमारी आय को बढ़ाने में सहायता करता है. उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी श्याम ने किराने की दुकान खोलने के लिए बैंक से 2,00,000 रुपए ऋण लिया. इसके बदले में उसने अपना घर ऋण के रूप में बैंक के पास बंधक बनाया. जब श्याम की दुकान 2 महीने बाद अच्छी चलने लगी तो उसने ऋण को की किस्त 10,000 रुपए प्रति माह देना आरंभ कर दिया. धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और 3 वर्ष बाद श्याम ने अपना पूरा ऋण चुका दिया तथा घर भी छुड़ा लिया. इस प्रकार ऋण ने श्याम की आय बढ़ाने में सहायता की. लेकिन गांव में छोटे मोटे किसान के पास औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के लिए साख का अभाव होता है. यानी कि उनके पास ऋण के बदले में जो हम गारंटी रखते हैं बैंक के पास, वैसा कुछ देने के लिए नहीं होता, जिसके कारण उन्हें गांव में ही महाजन से ऋण लेना पड़ता है. यानी कि गांव में ही कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसका ब्याज इतना ज्यादा अधिक होता है कि वे इसको चुका नहीं पाते और दूसरा ऋण लेना पड़ जाता है. और इस प्रकार गरीब लोग एक बार कर्ज के जाल में फंसते हैं तो उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है. तो ये क्या है, ये नॉलेज की कमी है, यानी कि ये बोलना चाहिए शिक्षा की कमी के कारण ऐसा होता है. 15वें क्वेश्चन में देखिए, एक ऑप्शन में है क्वेश्चन जो अथवा में है. Why some conditions like interest rate, time, guarantor, mortgage, extra, etc. are essential for a loan? बोल रहे लोन के लिए ये सारी चीजों का होना, ये सारी चीजों के कंडीशन का होना क्यों जरूरी है. तो देखिए क्यों जरूरी है, आंसर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप पॉज करके लिख लीजिए. मैं हिंदी में आंसर को समझाती हूँ आपको. देखिए ऋण के लिए शर्तें क्यों रखी जाती है, जैसे कि ब्याज दर, भाई ब्याज दर क्यों रखा जाता है, समय क्यों दिया जाता है, जमानत में चीजें क्यों रखी जाती है, गिरवी में क्यों रखी जाती है, ऐसा क्यों करते हैं, इसको समझाइए. तो देखिए ब्याज दर क्यों रखा जाता है, जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वह ऋण के एवज में किस दर पे ब्याज देगा यह सुनिश्चित होता है. यानी कि भाई ऋण को जब हम वापस करेंगे उसका दर क्या होना चाहिए. ऋण देने वाले को ऋण देने के जोखिम के बदले कोई लाभ प्राप्त नहीं होता. यानी कि भाई हाँ, बैंक हमको लोन दे रहा है और हम अगर लोन वापस ही ना करें तो भाई बैंक को भी तो कुछ लाभ होना चाहिए ना. तो इसीलिए वो ऋण के दर पर दर रखता है, यानी ऋण के लिए वो दर एक तय करता है, उसी दर पे वो ऋण देता है औपचारिक. तो देखिए नेक्स्ट है समय. समय किस लिए, ऋण चुकाने के लिए अगर समय सीमा निश्चित रहती है तभी ऋण लेते समय हमको ऋण देने का ज्यादा ध्यान रहता है. सोचिए अगर आपको समय सीमा बांधा ही ना जाए तो आप क्या ऋण वापस करोगे. सोचोगे अरे कर लेंगे यार 10 साल बाद, पूरा 10 साल के बाद दे देंगे. तो भाई 10 साल तक रुकना पड़ा ना. लेकिन अगर यही आपको समय सीमा बांध दिया जाए कि नहीं 2 साल के अंदर ही आपको इस ऋण को चुकाना है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो आप हड़बड़ी में ऋण को चुकाओगे. इस तरीके से समय सीमा बांधना बहुत जरूरी है. फिर हो गया जमानत. जमानत को समर्थक ऋणाधार कहते हैं. यह ऋण देने वाले के लिए इस बात की गारंटी देता है कि यदि ऋण लेने वाला ऋण अदा नहीं करेगा तो उसकी भरपाई जमानत या जमानतदार द्वारा की जाएगी. अब ऋण, ऋण यानी क्या होता है, लोन होता है. तो लोन का ये जो जमानत होता है, भाई अगर मान लो मैं लोन लेती हूँ और मैं उस लोन की भरपाई नहीं कर पाई तो जो मेरे मैंने जिसके लिए जमानत करवाई होगी वो उस लोन को भरेगा. इसीलिए जमानत का जो कंडीशन है वो रखा जाता है, शर्त रखी जाती है. फिर गिरवी. गिरवी वो होता है कि अगर हम किसी वस्तु को रखे, कुछ सामान लेने जा रहे हैं और अपनी कोई वस्तु को वहां रख दे, उनको कह दे कि भाई ये वस्तु आप तब तक रखिए जब तक कि हम आपको ऋण वापस ना कर दे, लोन वापस ना कर दे, इसको हम गिरवी रखना कहते हैं. और इसको क्यों करते हैं ऐसा, भी आप मान लीजिए अगर लोन नहीं दिए तो अगले के पास कुछ तो रहेगा ना आपसे भरपाई करने के लिए, इसीलिए ये गिरवी का भी शर्त रखा जाता है.
अब 16 नंबर जो क्वेश्चन है, जो बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर है वो देख रहे होंगे, और जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं भी है मैं उनको भी बता देती हूँ कि आप मेरे वेबसाइट में जाकर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल पेपर को www.apnacoolschool.com। ये आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे ना तो आपको मेरा वेबसाइट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर मेन्यू में जाकर आपको बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी, वहां क्वेश्चंस में जाकर आप क्वेश्चन पेपर में जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे सैंपल क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे ना तो 10th का ऑप्शन आएगा, 10th में क्लिक करेंगे तो आपको 2020 और 2019 का ऑप्शन आएगा, तो आप 2020 का ऑप्शन को क्लिक करिएगा, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से आपको जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको निकाल के रख लीजिएगा, और उसमें सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, मैथ्स के ऑलरेडी करवा दी हूँ, सोशल का आज हमारा खत्म होने वाला है तीसरा पार्ट, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं बच्चों, जाके जरूर चेक कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, 16वां जो प्रश्न है वो आपके इस बार सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं करवा रही हूँ। अब हम 17वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, 17। संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो संविधान के उद्देशिका का हमारे जीवन में संविधान का मूल्य अंकित है, यानी कि जिसके आधार पर न केवल देश के शासन को संचालित करना है बल्कि इन सिद्धांतों को देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है। उद्देशिका हमारे अंदर यह भाव जागृत करती है कि हम पूर्ण रूप से बाह्य नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह हमारे समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को रेखांकित करती है। प्रस्तावना हमें एहसास कराती है कि हम ऐसे लोकतांत्रिक गणराज्य में हैं जहां सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। तो उद्देशिका में जो हमारे संविधान के उद्देशिका में ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि हर व्यक्ति को पालन करना बहुत जरूरी है, और उस व्यक्ति के जो उसके लिए राइट्स है, यानी कि हमारी जो राइट्स है, हमारे जो अधिकार है और हमारी जो ड्यूटी, हमारे जो कर्तव्य, सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। उद्देशिका में कही गई बातें जैसे समानता व स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए है, ये स्वतंत्रता और समानता व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हो, एक साथ रहे, आपसी सामूहिकता को बनाए रखे, इसलिए बंधुता की बात कही गई है। हम ऐसे समाज नहीं बनाना चाहते जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे, केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए। हम यह भी चाहते हैं कि आपस में भाईचारा रखे, सहयोग करे और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करे, लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ना हो, जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाया रखा जाएगा। ये हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब 17वें क्वेश्चन में ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द मेकिंग ऑफ लॉ व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, है ना, हम अगर लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है? तो देखिए ये सारे रोल है पार्लियामेंट के, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए बच्चों। अभी इसको हिंदी में हम लोग समझ लेंगे तो आप मेरे प्यारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए कानून बनाने की प्रक्रिया, तो प्रश्न पूछकर, सबसे पहले प्रश्न पूछकर, यानी कि संसद के सदस्य किसी भी बिल के संबंध में प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है। फिर विधेयक पर चर्चा, जो भी बिल लाते हैं उस पर चर्चा की जाती है, उस पर विस्तार से चर्चा होती है, यानी कि डिस्कशन होता है, बातचीत करते हैं कि भाई अगर ये हमको कानून बनाना है तो ये कानून क्यों बनाना है। जैसे अभी आप जानते होंगे किसान बिल पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है ना, तो ये सारी चीजें ऐसे करके ही कानून बनाई जाती है। सॉरी, अविश्वास प्रस्ताव रखकर, अविश्वास प्रस्ताव भी रखते संसद में सदस्य, संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखकर संसद में मतदान की मांग करते हैं, यानी कि भाई हमें विश्वास नहीं है, चलो अब मतदान कर लेते हैं, तो जिसके पक्ष में ज्यादा मतदान होगा उसके कारण कानून पास होगा। तो काम रोको प्रस्ताव, अब काम रोको प्रस्ताव भी होता है, किसी तत्कालिक विषय पर चर्चा करने हेतु संसद सदस्य काम रोको प्रस्ताव द्वारा आवश्यक विषय पर चर्चा करवा सकते हैं। मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट बात है, उसको आज ही के आज निपटाना जरूरी है या एक हफ्ते के अंदर निपटाना जरूरी है, तो ये काम रोको चर्चा शुरू होती है कि भाई बाकी सब काम रोको और ये चर्चा अभी शुरू करो। तो इस तरीके से
होता है, फिर बिल पर मतदान होता है। भाई कोई भी बिल के पक्ष में कितने लोग हैं, तो बिल पर मतदान होता है। और उसमें अगर आप बिल अगर पारित नहीं हो पाता है या यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। तो इस तरीके से पूरी कानून की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द वोटिंग बिहेवियर, यानी कि जो हम वोट करने जाते हैं उसके मतलब उस चीजों को क्या प्रभावित करता है। इसको हम इंग्लिश में तो देख ही रहे हैं, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश वाले बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम चीज में इंग्लिश में भी समझाओ, सेम चीज में हिंदी में भी समझाओ तो कोई बात नहीं, खाली खाली वीडियो लंबा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तो मेरे बहुत अच्छे बच्चों हो ना, आप लोगों को सब ऐसे ही समझ आ जाएगा। तो चलिए, मतदान किसे कहते हैं, यानी कि वोटिंग करना किसे कहते हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले, यानी कि मतदान, हम जो वोटिंग करने जाते हैं, हमारे वोटिंग करने के को क्या क्या चीज प्रभावित कर सकती है, क्या क्या चीज हमें उसको इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले तो मतदान को समझ लेते हैं। मतदान यानी कि वोटिंग आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोग को वोट डालने यानी कि मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि 18 साल सबको पता है। मतदान के द्वारा ही लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, मतदान के द्वारा ही हम वोट करके ही अपने जो लीडर को वो चुनते हैं। अब मतदान प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, देखो इतने सारे पॉइंट है जो हमारे वोटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। देश हित एवं राजनीतिक दल की नीतियां तथा नीतिगत फैसले, देश के और राजनीतिक दल की नीतियां, भाई हम उसी को वोट देंगे ना जिसकी नीतियां हमको अच्छी लगेगी, जिसकी पॉलिसी हमको अच्छी लगेगी। मोदी जी को क्यों देते हैं सब वोट, क्योंकि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो हमको अच्छी लग रही है। तो देश हित में होनी चाहिए राजनीतिक दल की नीतियां। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद, स्थानीय प्रभाव भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जाति है ना, जाति हो गई, धर्म हो गई, क्षेत्रवाद हो गया, क्षेत्रवाद यानी हम जहाँ रहते हैं है ना, वहां का जो क्या कहना चाहिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते तो हमारे यहाँ हम छत्तीसगढ़ी लोगों को ज्यादा पसंद करेंगे, वैसे ही भाषावाद, हम अपनी भाषा वाले लोगों को ज्यादा पसंद करेंगे। तो स्थानीय प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है वोटिंग पर। राष्ट्रीय महत्व एवं दल के सिद्धांत तथा प्रत्याशी का व्यक्तित्व, भाई प्रत्याशी का व्यक्तित्व, जो इंसान खड़ा हो रहा है, जो इंसान इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसका जो खुद का व्यक्तित्व है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है वोट पे, है ना। और एकदम जो एकदम ऐसा इंसान को कोई खड़ा कर दिए जो खुद ही बेकार है, जो खुद ही कुछ नहीं करता, जो खुद ही हर गंदे कामों में मिला हुआ है, तो क्या उसको कोई वोट करेगा, नहीं ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर देखिए, अब देखिए सरकार के जो कार्य है, दल की घोषणाएं, वायदे, टीवी, सोशल मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिका, ये सारी चीजें आजकल वोटिंग को इफेक्ट करती है, क्योंकि आजकल कुछ भी चीज छुपा हुआ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है जहां से हर कोई आसानी से कोई भी चीज को समझ सकता है, देख सकता है, चीजों को समझ सकता है। तो आजकल कोई भी चीजें छुपी हुई नहीं है, कोई भी चीज को कोई छुपा नहीं सकता, सब चीजें सामने आ जाती हैं। तो इसके कारण भी बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, इसके कारण भी वोटिंग व्यवहार में हमारा प्रभाव पड़ता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार प्रसार करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें भी, जो बहुत ज्यादा प्रदर्शन करेगा, जो बार बार हमारे सामने आके गाना गाएगा, भी हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो उससे भी उसके कारण भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसी को हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये इंग्लिश में है, देखिए, ये है, इन डेमोक्रेसी व्हाई इज इट नेसेसरी टू गिव द राइट टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी में ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर रखना क्यों जरूरी है। तो चलिए, इसको हम सबसे पहले इंग्लिश वाले मेरे प्यारे बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम इसको धीरे से समझते हैं। चलिए, एक पॉइंट करके आपने नोट डाउन कर लिया है, ये मैं सोच रही हूँ। चलो, तो अब हम इसको नोट करते हैं। लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार
क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में संगठन या समूह बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। देखिए, लोकतंत्र में यानी कि जो हमारा जो देश है वहाँ पे संगठन या समूह बनाने का अधिकार, भाई हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मान लो मुझे एक बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हम इसे कोई नहीं रोक सकता। यह लोकतंत्र की एक बुनियादी आवश्यकता है और ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी लोकतंत्र की एक बहुत ही जरूरी प्राथमिकता बन गई है। इससे क्या होता है, इससे हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, संगठन के माध्यम से अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, हमारे अधिकार के लिए हम सामूहिक कार्य करने के लिए लड़ सकते हैं, आसान हो जाता है सब चीजें। यदि संगठन नहीं है तो हर नागरिक अकेला, कमजोर और असहाय हो जाएगा। अतः संगठन के माध्यम से लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने अधिकारों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार बहुत जरूरी होता है। आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप जरूर जाके देखिएगा। सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के 100% चांसेस बनते हैं बच्चे, क्योंकि ये सीजी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। और इससे पहले मैंने मैथ्स करवा चुकी हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल में मिल जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए लिंक, तो सबको जाके सारे वीडियोस को एक बार चेक जरूर कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आपके जरूर काम आएगा। और हाँ, अगर आपको लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। अगर आपको मुझसे बातें शेयर करनी है, कुछ डिस्कस करना है, तो इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपनी इस प्यारी सी मैडम को, डियर मैडम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो इसमें ऐसे ऐसे मटेरियल्स आने वाले हैं जो आपको 99 स्कोर जरूर दिलवाएंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग जो बाजू में घंटी है उसको नहीं बजाओगे तो मैं जब लाइव आऊंगी तो आपके मोबाइल की भी घंटी नहीं बजेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं जब लाइव आऊं आपके मोबाइल की भी घंटी बजे, तो इस घंटी को भी बजाना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से आप लोग इसको बजा दीजिए टिन टिन करके। और आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ो, और मेरी यही शुभकामना है कि आप सारे बच्चे पढ़ाई बहुत मन लगा के करो और सबको सब कुछ याद हो जाए और कोई भी कुछ भी भूले ना। तो बाय बाय।